हेलो फ्रेंड्स, तो बर्निंग इश्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आसिफ नज़ीर। दोस्तों, आइए डिस्कस कर लेते हैं आज का एडिटोरियल। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों से कहनी थी, सॉरी फॉर हम लोग आज थोड़ा लेट हो गए ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। सो नन दिस, लेट आए कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कोशिश करते हैं दुरुस्त आए। सो देखिए, आज का जो एडिटोरियल है वो लेफ्ट में देखेंगे आप, ये एक फॉगी थिंकिंग के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसके अलावा मिजरिंग जुडिशियल मेरिट, सो हम ये डिस्कस करेंगे। फॉगी थिंकिंग, मिजरिंग जुडिशियल मेरिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये वेल सर्व्ड नज के नाम से ये जो आर्टिकल है, ये जो रिचर्ड थैलर को जो इकोनॉमिक में उसमें उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया उससे रिलेटेड है। और ये इन्हें जो दिया गया था, आप लोगों को पता होगा, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इन्होंने एक थ्योरी एक तरीके से इस्टेब्लिश की थी, तो उसमें इनको दिया गया था, उससे रिलेटेड आर्टिकल है, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता। और इसके अलावा शी फिशिंग सिल्वर बुलेट, ये पाक बे कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायर, तो ये जो हमारे जो तमिलियन जो हैं फिशरमैन, उनसे रिलेटेड जो उनके इशू हैं, और जी ये ट्रैवलिंग इन पाक बे, सो इनसे रिलेटेड ये इशू है। तो ये हालांकि एक इंटरनेशनल इशू है, इंडिया और श्रीलंका रिलेशन हमारे जो हैं उससे रिलेटेड ये है, लेकिन फिलहाल हम आज दो दो आर्टिकल है जिन पे हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। तो पहला ये आर्टिकल है फॉगी थिंकिंग, इसको जूम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फॉगी थिंकिंग का मतलब ही होता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी उसमें क्लाउडीनेस है या क्लियर नहीं है, आप ये कह सकते हैं विजिबल, उसमें विजन जो है आपका वो क्लियर नहीं है। तो इन्होंने टाइटल का नाम अच्छा दिया है फॉगी थिंकिंग। ये कह रहे हैं कि दिल्लीज फायर क्रैकर बैन मे नॉट वर्क एनी बेटर देन पंजाब स्टबल बर्निंग बैन डिड। तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के फायर क्रैकर को बैन करना उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना कि आप पंजाब के स्टबल बर्निंग को बैन करके कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपको पता होगा, पिछली बार दीपावली में जो यहाँ पे एयर पोल्यूशन था वो काफ़ी बढ़ गया था, तो उसके रीज़न जो माने गए थे वो एक तो दीपावली के अराउंड फायर क्रैकर्स, और उसके अलावा इसी विंटर में ये स्टबल बर्निंग जो होती है हरियाणा और पंजाब में, उसको भी एक रीज़न माना गया था। सो उसी पे बेस्ड ये आर्टिकल है। आइए देखते हैं, ये लिख रहे हैं कि फॉर सेकेंड टाइम, यानी कि साल भर 2016 से, नवंबर 2016 से लेके अब तक दो बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया हुआ है फायर क्रैकर्स को। नवंबर 2016 में एक बार किया था और फिर अब इन्होंने किया है, तो ये एनसीआर रीजन में टेम्पोरली बैन है ये, 1 नवंबर तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है फायर क्रैकर्स की सेल पे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि और ये टेस्ट करना चाहते हैं, आइडिया इज टू टेस्ट वेदर इट कट्स डेडली पोल्यूशन लेवल इन से पोल्यूशन लेवल सीन इन दिल्ली ड्यूरिंग एंड आफ्टर दिवाली। सो ये कह रहे हैं कि ये चेक करना चाहते हैं कि जो पिछले दिवाली पे जो एक तरीके से डेडली पोल्यूशन हुआ था दिल्ली में, सो वैसे पोल्यूशन को ये देखना चाहते हैं कि वो फायर क्रैकर की वजह से हुआ था या कि नहीं हुआ था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, 1 नवंबर तक बैन किया गया है, 1 नवंबर तक इन्होंने बैन किया है, ताकि दीपावली से देखिए 10 दिन पहले, और ये फिर दीपावली के बाद ये नवंबर तक, 1 नवंबर तक, तो इस ड्यूरेशन में ये चाहते हैं कि क्रैकर्स का यूज़ कम हो, ताकि हम अपनी एयर पोल्यूशन को एक तरीके से देख सकें, एक तरीके से एक पैटर्न वो देखना चाहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, वाकई पोल्यूशन जो होता है वो क्रैकर्स की वजह से ही होता है या नहीं। और इसके अलावा देखिए आगे लिख रहे हैं कि इन अदर वर्ड टू सी वेदर दे कैन बी कोलैप्स फ्रॉम, तो ये जो देखिए पीएम की जो पर्टिकुलर मैटर्स जो होते हैं उनकी वो अब्रप्टली वो बढ़ गए थे, पिछली बार ऐसा हुआ था दिवाली में, सो उसी को देखना चाहते हैं कि विंटर में देखिए पिछली बार जो बढ़ गए थे, और तो वो लाइफ थ्रेटनिंग इवन उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गए थे। सो यही वो कहना चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहती है कि उसका अब बैन करने पर क्या असर पड़ता है, कुछ इंप्रूवमेंट आता है या नहीं। फिर आगे लिखते हैं कि टू बी टफ टू इम्पोज द बैन ऑन द इंडस्ट्री दैट हैज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस स्टक। सो ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए 10 दिन पहले फेस्टिवल के आप बैन कर रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री जो है फायर क्रैकर्स की वो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अपना बना चुकी हैं, स्टॉक्स उनके पास हैं। सो ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से ये आपने आप लोग ये आपको नहीं करना चाहिए था, एक तरीके से आप 10 दिन पहले कर रहे हैं, तो ये आपको या पहले करना चाहिए था या कोई और आपको सोल्यूशन इसका निकालना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्ट तो बन चुका है, तो वो एक तरीके से कोशिश भी करेंगे कि वो प्रोडक्ट उनका डिस्पोज हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो किसी तरीके से ब्लैकमेल या फिर दूसरे वे से लूपहोल्स यूज़ करके वो इसको बेचने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट ना बेच के। फिर उसके बाद देखिए आगे ये लिख रहे हैं कि
हाँ, डिस्पाइट डिलीवरिंग बिग ब्लो टू द इंडस्ट्री एंड इंक्रीजिंग डिसप्लेजर ऑफ मेनी इट, सो ये कह रहे हैं कि इनको आप एक तरीके से इनको दुख न पहुंचा के इन, क्योंकि आपने जब बैन कर दिया तो जाहिर सी बात है दुकानदारों को तो असर पड़ेगा ही, उनको एक तरीके से निराशा हाथ लगी है। सो ये कह रहे हैं इसके अलावा आप ये कर सकते थे कि जो इवेन आर्ट का जो प्रोग्राम दिल्ली में आया था, जो इवेन आर्ट आप लोगों को पता होगा, जो गाड़ियों का जो पिछली बार जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लागू किया था, सो कह रहे हैं कि उस टाइप का आप कुछ कर सकते थे, इवन आर्ट लाइसेंसिंग कर देते, तो इस टाइप से कुछ आप दूसरा कुछ इसमें इसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ कर सकते थे, ना कि डायरेक्ट बैन करके। और इसके अलावा ये भी लिख रहे हैं कि द मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन एनसीआर हैज़ बिन क्लियर इनफ टू ड्राइव पॉलिसी चेंज, कह रहे हैं कि एनसीआर में जो भी पोल्यूशन है उससे ये क्लियर है कि हमें पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है। और ये भी कह रहे हैं कि ये आप सिर्फ क्या नाम है इन दो चीज़ों पे फोकस ना करें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोल्यूशन का रीज़न बनती हैं या उसका कारण है, तो उसके देख में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट ये देखिए, इसके अलावा ये व्हीकुलर व्हीकुलर पोल्यूशन जो गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं, इसके अलावा वेस्ट बर्निंग जो वेस्ट को हम लोग जलाते हैं, इसके अलावा जनरेटर्स, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग इन इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो ये रेसिड्यू क्रॉप रेसिड्यू की बर्निंग होती, तो ये सब क्या करते हैं पोल्यूशन का कॉज बनते हैं या रीज़न बनते हैं। फिर आगे है कि टू टैकल ईच ऑफ दीज विल टेक डिसाइसिव, सो ये कह रहे हैं इन सब को टैकल करने के लिए, इन सब को कर्व करने के लिए एक डिसाइसिव एंड परसिस्टेंट पॉलिसी की ज़रूरत है, न कि इसको बैन करने की, इसको बैन करने से एक तरीके से पैनिक पैदा होगा और ये एक तरीके से इसको इल कंसीडर कर रहे हैं, इसको इल कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से जो फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री है उस पर इसका असर पड़ेगा इसलिए, और वो तो आखिर पैनिक में तो वो है ही अगर बैन आपने कर दिया तो। सो फिर इसके अलावा देखिए आगे लिख रहे हैं 2 ईयर्स लेटर फार्मर्स कंटिन्यू, ये कह रहे हैं कि 2015 में देखिए एक स्टेप लिया गया था क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग पे, पंजाब और हरियाणा ने एक स्टेप लिया था उसको बैन करके, उसको जो क्रॉप रेसिड्यू की बर्निंग करते थे, लेकिन 2 साल के बाद क्या हुआ, फार्मर ने फिर इस रूल को वायलेट करना शुरू किया, यानी उन्होंने बर्निंग फिर से शुरू कर दी। सो कह रहे हैं कि इसमें कोई भी देखिए दोस्तों सिंपल चीज़ है, अगर आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो तो उसका पॉलिसी आपकी जो होनी चाहिए वो डिसाइसिव होनी चाहिए, परसिस्टेंट होनी चाहिए, और उसमें एक तरीके से लॉजिक और रीजनिंग भी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप ऐसे ही क्या नाम है किसी चीज़ पे रूल पास कर दें। तो ये पिछली बार जो हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया था क्रॉप रेसिड्यू पे, सो उन्हें उसका एक सब्स्टिट्यूट भी तो देना चाहिए था, क्योंकि वो इसलिए कर रहे थे स्टबल बर्निंग, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उससे जो फील्ड होती है उसमें फिर एक तरीके से उनको जलाने के बाद उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है, इसलिए वो जलाते हैं, तो उनका आखिर नुकसान हो रहा था। और दूसरी बात है, एक तो उनका ये नुकसान हुआ, दूसरी बात ये उनकी जो कटिंग करेंगे तो उसके लिए उन्हें पैसे लगेंगे, तो वो पैसों का कि आखिर गवर्नमेंट को इसका कुछ सब्स्टिट्यूट कुछ इंतज़ाम तो करना चाहिए था, तो ये कह रहे हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए वहाँ के फार्मर्स ने क्या दिया फिर से इस रूल को वायलेट करना शुरू किया। और ये लिख रहे हैं देखिए, हाई कास्ट ऑफ क्लीनिंग पैडी स्टबल इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट टू प्रिपेयर द फील्ड सो वीट, सो ये जैसा मैंने अभी बताया कि हाई कास्ट ऑफ क्लीनिंग, ये तो ये आखिर इन्हें पैसे की ज़रूरत तो होगी, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन कौन झेलेगा। फिर आगे लिख रहे हैं गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड सब्सिडीज, हाँ गवर्नमेंट ने एक स्टेप ज़रूर लिया है, एक हैप्पी सीडर के नाम से जो एक मशीन थी, और ये क्या कर रही थी, इसका काम क्या था, ये स्टबल फ्री विच डज नॉट रिक्वायर, सो ये हैप्पी सीडर जो एक तरी ये मशीन थी, इसमें क्या होता था कि ये स्टबल फ्री, इसको फील्ड की ज़रूरत नहीं होती थी, यानी कि स्टबल होते भी थे तब भी ये अपनी सीडिंग का काम करती थी, तो इस पे गवर्नमेंट ने एक तरीके से सब्सिडी दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये फार्मर्स को महंगी पड़ रही थी, देखिए बर्निंग रिमेन चीपर, सो इट तो इसके बावजूद भी महंगी पड़ रही थी, तो इस पे इनको आखिर कुछ स्टेप लेना चाहिए था। फिर आगे देखिए इसके अलावा ये लिख रहे हैं कि बायोमास एनर्जी प्लांट जो हैं वो भी चाहते, तो इनको जो पैडी स्ट्रॉ हैं जो रेसिड्यू थे उनको खरीदते, तो फार्मर क्या नाम है उनको जलाने के बजाय उनको कट करके उनको दे देते, तो उनसे कुछ पैसे की कमाई भी हो जाती उनकी, सो आप एक ये स्टेप भी ले सकते थे बायोमास एनर्जी प्लांट का यूज़ करके। इसके अलावा फिर आगे है द वनली आंसर इज़ फॉर द पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट टू मूव पर्पसफुल्ली ऑन द सोल्यूशन दे नो वे विल, तो ये कह रहे हैं कि आपको एक पर्पसफुली एक सोल्यूशन की ज़रूरत है, और वो सोल्यूशन जो वाकई वर्क करे। फिर उसके बाद लिख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है, दिल्ली गवर्नमेंट को ज़रूरत है एक अवेयरनेस फैलाने की, रेज अवेयरनेस ऑन द इम्पैक्ट कि फायर क्रैकर्स का हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, तो इससे रिलेटेड आपको ज़रूरत है एक अवेयरनेस फैलाने की। इसके अलावा ये लिख रहे हैं कि बहुत
जो और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो हमें ज़रूरत है टैकल करने की, व्हीकुलर पोल्यूशन यानी जो गाड़ियों से पोल्यूशन जो हो रहा है उसको कर्व करने की ज़रूरत है, और कंस्ट्रक्शन डस्ट और अदर पोल्यूशन जो सोर्सेज हैं उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। फिर आगे देखिए फाइनल लिख रहे हैं, इट इज़ अनलाइकली अ फायर क्रैकर सेल बैन विल अवर्ट द काइंड ऑफ द हेल्थ इमरजेंसी दैट स्टक दिल्ली फर्स्ट लास्ट ईयर। सो पिछले साल जो हेल्थ इमरजेंसी जो एक तरीके से हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि ये फायर क्रैकर पे बैन करके उसको अवर्ट नहीं किया जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता, बल्कि हमें इन सारे जो सॉल्यूशन दे रहे हैं इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। सिर्फ फायर क्रैकर ही पोल्यूशन का रीज़न नहीं है। तो ये दोस्तों ये रहा, ये क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आपको फिर से एक मरतबा आप लोगों को इसका ब्रीफ मैं वो बता देता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या निकला। तो देखिए ये इस पूरे आर्टिकल में कहना यही चाहते थे कि आप सिर्फ एक दो चीज़ों पे फोकस ना करें, सिर्फ आप फोकस फायर क्रैकर्स पे या स्टबल बर्निंग पे ना करें, और स्टबल बर्निंग पे भी आप कर रहे हैं तो उसको एक फार्मर्स को एक सब्स्टिट्यूट दें आप एक तरीके से। जैसे इन्होंने बायोमास प्लांट की बात की, इसके अलावा हैप्पी सीडर जो इस मशीन है तो उस पे आप वो फार्मर्स को ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करें ताकि वो उनको उनको मतलब लॉस ना हो एनी हाउ, वो ताकि वो मोटिवेट हों ये करने के लिए। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीकुलर पोल्यूशन पे ध्यान दें, और इस कंस्ट्रक्शन डस्ट जो इस सब डस्ट कंस्ट्रक्शन से डस्ट निकलती है वो, और भी सारी चीज़ें हैं, तो सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और एक परसिस्टेंट डिसाइसिव पॉलिसी की ज़रूरत है। ये याद रखें, ज़रूर ये वर्ड ज़रूर लिखें आप, परसिस्टेंट, क्योंकि देखिए हमारी क्या होती है पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सो आप इसको ज़रूर लिखें कि अ परसिस्टेंट पॉलिसी, डिसाइसिव, और एक तरीके से हाँ परसिस्टेंट डिसाइसिव, और इस ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अगला आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। तो ये मिजरिंग जुडिशियल मेरिट, देखिए हमने जैसा डिस्कस किया था कल भी एक आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड। सो हमने आप लोगों को बताया था कि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार मेंस में आने के भी इसके काफ़ी चांसेस हैं। सो इसमें देखिए ये क्या कह रहे हैं, इन मेकिंग कोलेजियम डिसीजन पब्लिक द सुप्रीम कोर्ट मस्ट ऑल्सो रीजन इट्स मेजरमेंट ऑफ मेरिट। सो ये कह रहे हैं कि नो डाउट इट्स अ गुड स्टेप, जैसे आपने कहा है कि हम आपके डिसीजन अपने डिसीजन को पब्लिक करेंगे और उसको शो करेंगे अपनी वेबसाइट पे, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ की ज़रूरत है कि आप ये रीज़न भी तो बताएं कि आप मेरिट किस बेसिस पे तैयार कर रहे हैं। आप पब्लिक तो कर रहे हैं लेकिन आपको मेरिट जो आप तैयार कर रहे हैं वो आखिर किस बेसिस पे कर रहे हैं, इसको भी तो पब्लिक को जानना चाहिए। देखिए शुरुआत कर रहे हैं, पहले तो ये कह रहे हैं कि हमारी जुडिशियरी के पास बहुत सारे पावर हैं। हाँ ये फ्री हैंड है क्राफ्टिंग पॉलिसी, यानी कि ये तो खुले इनके हाथ खुले हैं कि ये पॉलिसी को भी क्राफ्ट कर देते हैं इवन, और मतलब एक तरीके से ये उसको जुडिशियरी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि कैन बोस्ट अ फ्री हैंड इन क्राफ्टिंग पॉलिसी ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। लगभग रोज़ ही किसी न किसी पॉलिसी का एक तरीके से ये फॉर्मेशन करते हैं ये, और एग्जांपल भी दे रहे हैं कि जैसे सेटिंग ऑफ बूज फ्री जोन, मैंडेटिंग थिएटर, जो थिएटर में इन्होंने अभी जो नेशनल एंथम पे आपको खड़े होने से रिलेटेड इन्होंने जो क्या नाम है डिसीजन दिया था उसको ये कह रहे हैं। इसके अलावा ट्रोलिंग सर्कस का क्रिकेट को एक तरीके से ये मॉनिटर कर रहे हैं उसको ये कह रहे हैं। सो एक तरीके से लिख रहे हैं कि ये इंडिया में जुडिशरी काफ़ी पावरफुल है, हाँ, और एक तरीके से फ्री हैंडेड है। उसके अलावा फिर ये लिख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट कोलेजियम वुड प्रीडोमिनेट ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये डिसाइड किया हुआ है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो भी काम होगा उस पे सारा डिसीजन कोलेजियम ही लेगी, यानी कोलेजियम ही डोमिनेंस है सारे अदर मतलब एग्जीक्यूटिव पे, एक तरीके से कोलेजियम का ही डोमिनेंस है या उसको ही सारे डिसीजन लेना है इसमें कोई। और इसका ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो गवर्नमेंट ने बनाया था उसको एक तरीके से इनवैलिड करार दिया था। सो इसीलिए कह रहे हैं कि वो अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, और वो चाहते हैं कि उसमें दूसरे का दखल ना हो। ठीक है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन दैट सॉट टू सब्स्टिट्यूट द कोलेजियम विद ए स्ट्रक्चर दैट माइट हैव टाइटल बैलेंस द फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो ये कोशिश थी एक तरीके से बैलेंस पावर के पावर को बैलेंस करने के लिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, लेकिन उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर उसके अलावा ये लिख रहे हैं वन दैट इज़ वेल रीजन एंड टर्न्स ऑन हाउ वेल द जज इज़ क्वेश्चन इन रीजन। सो ये कह रहे हैं एक तरीके से इस चीज़ को
कि हमें पता होना चाहिए कि जो जजेस हो रहे हैं उनको वो उनके जो क्वेश्चन हैं, हाउ विल द जज इन क्वेश्चन, वो किस रीज़न पे आखिर वो क्वेश्चन करते हैं, रीज़न जो रीजनेबिलिटी है वो हमें पता होनी चाहिए। फिर इसके अलावा ये लिख रहे हैं कि अभी जो नया एक देखिए जो रिसेंट का केस हुआ है, हुआ यूँ है कि एक जस्टिस पटेल जो थे उनको क्या किया इन लोगों ने, ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र इन्होंने कब किया है, ट्रांसफ़र इन्होंने उस वक्त किया है, नीचे शायद इसकी डिटेल दी हुई है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इसमें उन्होंने ट्रांसफ़र कब किया है, ये वहाँ पे जस्टिस थे कर्नाटका में, और इनका देखिए एक तरीके से क्या हुआ है कि इन ये वहाँ के चीफ जस्टिस बनने वाले थे, और कुछ टाइम पहले ही इन्होंने क्या किया, इनका ट्रांसफ़र दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया। और ये क्यों किया है इसका देखिए आगे डिटेल हम देखेंगे। तो इसका इन्होंने लिख दिया है कि इसका विरोध हुआ, लोकल बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया, और ये जानने की कोशिश की कि आपने किस बेसिस पे किया आखिर, वही जैसा हमने कहा ना रीज़न आखिर क्या है आपका, रीजनेबलनेस इनको मेंशन करनी चाहिए कि आखिर रीजनिंग क्या है। फिर लिख रहे हैं रीजनिंग कॉन्स्टिट्यूट द चीफ रीजन डेटरे ऑफ द पब्लिक लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशियरी। देखिए एक यूएस जज ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉलिटिकल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट क्लेम लेजिटिमेसी बाई इलेक्शन, जजेस बाई द रीजन। देख रहे हैं देखिए जो पॉलिटिकल ब्रांच होती है यानी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो होता है किसी भी स्टेट का नेशन का, वो उसको लेजिटिमाइज किया जाता है इलेक्शन से। दोस्तों पब्लिक जो होती है वहाँ की, वही तो आखिर वोट देके उनको एक तरीके से पावर देती है, तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ही होता है जो उनको लेजिटिमेटी प्रदान करता है, और जजेस जो होते हैं उनको लेजिटिमेटी कहाँ से मिलती है, रीज़न से। तो ये कह रहे हैं कि रीज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जुडिशियरी में, और इसको जानने की ज़रूरत है, इसको मेंशन करने की ज़रूरत है। हाँ फिर उसके बाद देखिए आगे एक तरीके से हाँ फिर वही देखिए फॉरवर्ड डज इट डिटेल ऑफ मेट्रिक मेथड। तो ये कहने की जो आप मेथोडोलॉजी जो तैयार कर रहे हैं, जो मेरिट जो बना रहे हैं, वो किस बेसिस पे बना रहे हैं, उसकी मेट्रिक क्या है, मेजरमेंट क्या है, ये सब चीज़ें तो आप बताइए। आप सिर्फ ये कह देते हैं कि आप जजमेंट कमेटी जैसे आप बनाते हैं और वो कह देते हैं कि ये गुड है ये एवरेज है, तो आपने किस बेसिस पे ये गुड और एवरेज को दिया है, तो ये हमें ये इसको आपको मेंशन करने की ज़रूरत है। हाँ फिर उसके बाद ये दिख रहे हैं देखिए जजमेंट सेड द कैंडिडेट्स वर बीइंग कंसिडर्ड और इवन व्हाट काउंटेड एज अ गुड जजमेंट, और जो उनके अलावा उसके जो जजमेंट हैं उनको आप कैसे देखते हैं, उनके जजमेंट को डिसाइड कैसे करते हैं कि वो उनका जजमेंट अच्छा था, उसकी रीजनेबिलिटी को देखते हैं उसके, या फिर कि उसमें जो प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है उसको देखते हैं, या फिर क्या देखते हैं आप कि आप उसको एवरेज और गुड किस बेसिस पे करार देते हैं, तो इसको एक जानने की ज़रूरत है ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए लीगल लाइबिलिटी, लीगल लाइबिलिटी में ये कह रहे हैं कि जो जजेस होते हैं वो कह रहे हैं कि हाउ विल द जजेस राइट्स अ डिसीजन, जजेस क्या करते हैं किस बेसिस पे अपने डिसीजन को डिसाइड करते हैं, वो यहाँ पे उनको दिखना चाहिए। वी मस्ट बिगिन विद द लीगल क्लैरिटी, एक क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, एक आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है। फिर उसके बाद ये देखिए लिख रहे हैं कि मैनी जजमेंट आर इन फैक्ट मेयर कंपेंडिया आर डिसग्रेड्स ऑफ डिसीजन आर पर्टिकुलर इशू विथ वेरी लिटिल ओरिजिन रीजन इन सपोर्ट ऑफ कंक्लूजन। सो बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिनमें आप लोगों को कुछ रीज़न देखने को नहीं मिलेगा और वो बस ऐसे ही उसमें डिसीजन आ जाते हैं। सो एक तरीके से इनकी इंटीग्रिटी पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ उसके अलावा देखिए अगली चीज़ उन्होंने लिखी है इफ़ वी आर सीरियस अबाउट जुडिशियल मेरिट, अगर हम इतना ही सीरियस है जुडिशियल मेरिट के लिए सो वी हैव टू डू बेटर देन दिस, हम इससे अच्छा कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ द जजमेंट राइटिंग अलोन कैन नॉट सोल्व क्राइटेरिया, सिर्फ आपका जजमेंट की राइटिंग ही क्या नाम है क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप क्या कर सकते हैं वन हैज़ आल्सो टू अटेच द एट्रीब्यूट सच एज इंटीग्रिटी। देखिए जो चीज़ें ये बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ज़रूर इसको बड़ा थोड़ा सा कॉशियस होकर ये देखें, थोड़ा सा सीरियस होके देखिए एट्रीब्यूट सच एज इंटीग्रिटी और इसके अलावा कॉलेजियलिटी, वर्क एथिक, फेयरनेस, इंडिपेंडेंस, ईटीसी, ये सब चीज़ें देखिए। रीज़न जो ये बार बार हमने पीछे रीज़न 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 हम लोग कर रहे थे, तो उसमें यही चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जजमेंट उसमें आपको इंटीग्रिटी, कॉलेजियलिटी, वर्क एथिक, फेयरनेस, इंडिपेंडेंस, पार्टीशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा देखिए बट दीज आर नॉट
रेडली अमेंडेबल टू इम्पेरिकल मेजरमेंट एंड जुडिशियल रीजनिंग लिख रहे हैं कि और ये इतना आसान भी नहीं है इसको इम्पेरिकल मेजरमेंट करना और इसकी जुडिशियल रीजनिंग को पता लगाना। तो इसके अलावा फिर देखिए आगे ये है कि नो मेंशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ जजमेंट व्हाट कलिग्स हैड से अबाउट देयर कॉलेजियलिटी। सो ये कह रहे हैं कि आप ये मेंशन मत कीजिए कि क्वालिटी ऑफ देयर जजमेंट्स व्हाट कलिग्स हैड टू से अबाउट देयर कॉलेजियलिटी। तो कॉलेजियलिटी के बारे में ये कह रहे हैं कि आपको ये ज़रूरत क्या नाम है मेंशन करने की नहीं है कि उनकी क्वालिटी का जजमेंट कैसा रहा है, बट सिंपली सम अनडिस्क्लोज्ड मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड। सब आपको एक मटेरियल क्या नाम है रिकॉर्ड में तो कम से कम रखना चाहिए उनकी जजमेंट से, उनकी जजमेंट की क्वालिटी से रिलेटेड। इसके अलावा देखिए जो आईबी की जो रिपोर्ट होती है उसको भी ये कह रहे हैं कि आईबी की जो रिपोर्ट होती है उसको भी सीक्रेट आप रखते हैं, और वो एक तरीके से देखिए अभी पिछले दिनों गोपाल सुब्रमण्यम का जो केस था उसमें यही था कि इनको जब अपेक्स कोर्ट में, ये एक लॉयर थे और बहुत ही फाइनेस्ट लॉयर कह रहे हैं, बहुत अच्छे लॉयर थे, सो इनको जब अपॉइंटमेंट की बात आई तो गवर्नमेंट ने ये रीज़न दिया कि इन आईबी रिपोर्ट ऐसी बता रही हैं कि इनकी कुछ पर्सनल कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनसे इनकी इंटीग्रिटी पे इफेक्ट आता है, इंटीग्रिटी इनकी एक तरीके से व्हाट टू से जो इनकी इंटीग्रिटी है उस पर इन्होंने एक तरीके से क्वेश्चन रेज किया और उन्होंने कहा कि इन्हें आपको एक बार दोबारा रिकमेंडेशन के लिए भेजा और इन्हें फिर क्या नाम है इन्होंने अपना नाम खुद ही फिर वापस ले लिया था। सो एक तरीके से इसका यही बता रहे हैं कि आप तो आईबी तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है तो आप आईबी का यूज़ करके आप ऐसे काम करते हैं, सो ये गलत है। इन ऑर्डर टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सो अगर आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारे जो जजेस हैं वो कह रहे हैं कि टू एरोगेट देमसेल्फ अ पावर पिक देयर वेरी ओन। सो ये कह रहे हैं कि वो क्या होता है कि आप जजेस को ही एक तरीके से पावर, हमारे वहाँ क्या होता है देखिए कि जजेस चूज मतलब जजेस ही जजेस को एक तरीके से अपॉइंट करते हैं, यही तो होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए मेरिटोरियस बेसिस पे होना चाहिए और ना कि सिर्फ आप ये कह दें कि ये एबव एवरेज हैं या एबव बिलो एवरेज, इन सब चीज़ों को छोड़ के आपको एक मेरिटोरियस एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए सिस्टम में ताकि आप बेटर सिलेक्शन कर सकें, और इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है आपके डिसीजन मेकिंग पे और इवन ओवरऑल जुडिशियरी के परफॉर्मेंस पे इसका बढ़िया असर आता है। देखिए वर्किंग इन प्रोग्रेस द फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड में लिख रहे हैं लेटेस्ट मूव बाय द कोलेजियम मार्क्स मॉन्यूमेंटल माइलस्टोन ऑन जुडिशियरी। सो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेप इन्होंने लिया है ये नो डाउट ये माइलस्टोन है जुडिशियरी की हिस्ट्री में, लेकिन इसके साथ ही ये लिख रहे हैं द बिगिन विद कोलेजियम नीड्स टू बी पब्लिक। इसके साथ ही इसके अलावा ये भी ज़रूरत है कि आप जो मेरिट तैयार कर रहे हैं वो क्या नाम है उसकी मेथोडोलॉजी थोड़ा सा आप लोग उसको मेंशन करें, और इंस्टीट्यूशनल अल्टरनेटिव्स को भी एक तरीके से ये कह रहे हैं कि कोलेजियम की जगह कोई एक अल्टरनेटिव आप उसको लाइए ताकि एक तरीके से जो ऑप्टिमल मैट्रिक मेजरमेंट मेरिट जो होती मेरिट जो आप डिसाइड करते हैं उसमें थोड़ी सी एक ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों को पता चले कि हाँ सही माने में पारदर्शिता के साथ ये काम हो रहा है। फिर उसके अलावा लिख रहे हैं विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दोस्तों, ये ज़रूर आप लोगों को ये कोट आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा कोट है। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी If I might add, लिख रहे हैं ये कह रहे हैं कि जितना ही ज़्यादा आप लोगों को पावर होता है उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपके पास होती है और उतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी आपको दिखानी पड़ेगी। सो देखिए अगर जुडिशियरी नो डाउट क्या नाम है बहुत ही उनके पास पावर होता है सो आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए और अकाउंटेबल भी होना चाहिए। सो दोस्तों ये तो रहा आज का एडिटोरियल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।